Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी कार्स बताने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने कहीं पर देखी होगी। तो भाई अपनी ये जो पहली वाली कार है, ये है एक मिनी स्टंट कार। इसको जो हम लोग एक वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई ये है अपनी दूसरी वाली कार, ये है एक रॉकेट ई कार, ये एक फॉर्मूला वन रेसिंग कार है। इसको अंदर भी देखो, इस तरह की एक वॉच मिलती है। इसको हम लोग वॉच से भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वॉइस कमांड देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग, देखते हैं ये कार जीत पाती है या फिर ये कार। लेट्स सबसे पहले अपन अनबॉक्स करते हैं मिनी स्टंट कार को। इसका बॉक्स देख सकते हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिलती है हमें कार। ये कार जो है दो कलर्स में मिलती है, ऑरेंज ब्लैक एंड ग्रीन ब्लैक। तो यहां पर देखो ये जो कार के साथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की एक वॉच भी मिलती है हमें। और भाई यहां पे देखो वॉच की फोटो वगैरह भी दी गई। तो चलो फटाफट से जो है अपन इसको यहां से अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो। अगर आप ये कार खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा बैग दिखेगा नीचे की तरफ। उस बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पर इन दोनों ही कार्स का बाय लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चाहे तो खरीद सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने, वहां से भी खरीद सकते हो। ओ भाई क्या लुक है यार इस कार का देखो तो गाइस। और भाई ऊपर यहाँ पे लिखा है स्पीड कार बोलकर। इस कार की सबसे खास बात देखो गाइस, हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, नीचे की तरफ हमें डालनी होती है 3 AAA बैटरीज इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। पीछे के व्हील्स काफी ज्यादा बड़े हैं, सामने के व्हील्स छोटे हैं और प्लास्टिक के व्हील्स जो है पीछे के व्हील्स जो है काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर सकते हैं इस कार को, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी एक नंबर लगी मेरे को, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कार है। ये जो कार जब चलेगी ना गाइस, आप सच बता रहा हूँ एकदम हैरान हो जाओगे इस कार को देखकर। भाई साहब एकदम इस तरह से एकदम गजब तरीके से व्हीली वगैरह मार सकती है और गजब तरीके से स्टंट वगैरह भी मार सकती है। तो फटाफट से इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो गाइस ये है इसका रिमोट, हम लोग इसको पूरी तरीके से अपने हाथ पर भी बांध सकते हैं। इसके साथ हमें इस तरह का एक बैंड भी मिलता है और पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बैंड है और रोल होकर देखो इस तरह से छोटा भी हो जाता है बड़ा भी हो जाता है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। तो इसको जो है हम लोगों को यहां पर इस तरह से लगाना होता है, मैं आपको फटाफट से आगे बताता हूं। उसके बाद दूसरी कार को भी अनबॉक्स करेंगे। देखो गाइस अभी लग रही है ना एक प्रॉपर वॉच, तो मैं इसको अपने हाथ पर भी बांध के बता देता हूं फटाफट से। ये देखो दोस्तों आपको जस्ट इस तरह से टैप करना है। अभी लग रही है ना एकदम गजब की चीज भाई, एकदम फ्यूचरिस्टिक सी चीज लग रही है। पता नहीं मैंने मेरे हाथ पर क्या बांध दिया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये दोस्तों अपनी दूसरी वाली कार, अगर आपको याद होगा तो मैंने बहुत दिन पहले इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी ये कार, क्योंकि ये जो कार है ना यार पूरी तरीके से वॉइस कमांड से चलती है। यानी कि इसके अंदर जो रिमोट मिलता है हमें, कार को लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट को जाएगी, कार को राइट जाने के लिए राइट जाएगी। इस कार का नाम है रॉकेट ई कार स्मार्ट वॉइस कंट्रोल RC। इसके साथ हमें एक स्मार्ट वॉच भी मिलती है, वो वॉच मैं आपको फटाफट से खोल के यहां से बता देता हूं। तो भाई फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, ज्यादा लेट नहीं करूंगा। ये है इसकी स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट वॉच, देखो यहाँ पे लिखा है स्मार्ट बोलकर। और यहाँ पर देखो माइक वगैरह भी देखने को मिलती है, यहाँ से मोड है, यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, यहाँ से डेमो वगैरह भी दिखा सकते हैं हम लोग। ये रही दोस्तों अपनी फॉर्मूला वन रेसिंग कार, एकदम गजब का डिजाइन है इसका, डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया था गाइस। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली है। इसके अंदर मिलती है हमें एक रिचार्जेबल बैटरी, पूरी तरीके से देखो गाइस पैक होकर आती है बैटरी, जिस तरह की मोबाइल फोन में बैटरी होती है उसी तरह की एक बैटरी मिलती है हमें इसके अंदर। और बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी मिलता है। अपनी जो फॉर्मूला वन रेसिंग कार है देखो यार लंबाई में बहुत ज्यादा लंबाई है, तकरीबन दुगनी लंबाई है इस कार के मुकाबले में इसकी। अगर हाइट की बात करूं देखो ये जो कार है ना भाई एकदम गजब की हाइट है इसकी, एकदम तगड़ी नजर आती है ये कार इसके सामने। वहीं ये कार देखो यार बहुत ही स्लीक सा डिजाइन है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एरोडायनामिक टाइप डिजाइन इन लोगों ने बनाया ताकि ये जो कार की स्पीड है बहुत स्पीड से चल सके। नीचे की तरफ यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, पीछे के व्हील्स देखो यार बहुत चौड़े दिए हुए, सामने के व्हील्स पतले हैं ताकि ये जो कार है एकदम गजब तरीके से दौड़ सके। बाकी क्वालिटी वगैरह सही है। और लुक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कार है ना भाई एकदम गजब की दिखाई देती है। ये जो रिमोट वाली वॉच है पूरी तरीके से वॉइस कंट्रोल से चलती है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें 3 AAA बैटरीज डालनी होती है, बैटरीज वगैरह इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर भी हमें पीछे की तरफ 3 AAA बैटरीज डालनी होती है। मेरे को जो है क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहां तक बात करूं इसके बेल्ट की, इसका बेल्ट जो है पूरी तरीके से प्लास्टिक या फिर रबर का बना हुआ है, ये भी मैं आपको हाथ पर बांध के बता देता हूँ। हाथ पर बांधने के बाद देखो लुक्स तो भाई एकदम गजब के है इस वॉच के। तो भाई एक बार इस फॉर्मूला वन रेसिंग कार को मैं आपको ऑन भी करके बता देता हूँ। देखो मैंने इसको ऑन कर दिया है, ओ भाई एकदम गजब की साउंड आ रही है इसके अंदर से, और भाई काफी अच्छी तरीके से चल भी रही है ये। दोनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है तगड़ी।
ऑलराइट दोस्तों, अभी दोनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं यार दोनों में से कौन सी कार एकदम तगड़ी है, कौन सी कार यहाँ पर जीत पाती है। सबसे पहले अपन टेस्ट करते हैं अपनी छोटी सी कार को। तो गाइस देखो, इस कार को मैंने जैसे ही दोनों बटन प्रेस किए एकदम से व्हीली मारने लगती है। अगर आप इसको रिवर्स भी करोगे ना गाइस, एकदम से व्हीली मारकर आगे जाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती है। और देखो गाइस, डायगोनली बटन प्रेस करोगे तो इस तरह से 360 डिग्री बहुत ही ज्यादा स्पीड से घूमने लगती है। इस स्टंट कार के अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो यार व्हीली मारते हुए 360 डिग्री घूमती है, लेफ्ट को भी घूमती है, राइट को भी घूमती है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्लो घुमाना चाहते हो तो ये बटन जो है आपको सिंगल टाइम प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करके इसको डेमो के तौर पे भी चला सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको पीछे लेकर डेमो का बटन दबाता हूँ, देखो यार इस तरह से प्रोग्रामिंग अपने आप भी हो जाती है। यहाँ पर स्लो मोशन में मैं आपको व्हीली मार के बताता हूँ, ओ भाई क्या खतरनाक तरीके से फोल्ड हुई थी यहाँ पर। देखो भाई साहब, पीछे भी जाकर इस तरह से फोल्ड हो जाती है और अपने दोनों सामने के व्हील जो है एकदम से ऊपर उठा देती है। क्या ही गजब की कार है यार। अभी अपनी वॉइस कंट्रोल फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को भी चला के आपको मैं बता देता हूं। देखो इस तरह से फॉरवर्ड हम लोग इसको चला सकते हैं, रिवर्स भी ले सकते हैं बटन से। यहां पे मैं आपको कंट्रोल करके बता रहा हूं, देखो इस तरह से लेफ्ट को चली जाती है, वापस से मैं बैक लेता हूं। अभी देखो इसको राइट को, लेफ्ट को या फिर किसी भी डायरेक्शन में आप इसके बटन प्रेस करके चला सकते हो। यहां पर देखो, अभी इसको मैं वॉइस कंट्रोल में डाल देता हूं, यहां पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। तो अभी बाहर जाकर इसको मैं आपको चला के बताता हूं। टर्न लेफ्ट, गो फॉरवर्ड, स्टॉप, गो बैक, स्टॉप, गो फॉरवर्ड, टर्न राइट, गो फॉरवर्ड, स्टॉप। यहाँ पर देखो, इसकी स्पीड भी मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पूरी तरीके से वॉइस से कंट्रोल कर रहा हूँ। इसकी स्पीड भी जो है मेरे को काफी अच्छी खासी लगी। अगर आप इसको आउटडोर में चलाओगे तो आउटडोर में भी काफी बढ़िया तरीके से चल जाती है। और देखो इस तरह से राउंड भी घूम लेती है काफी अच्छी तरीके से, पर ये 360 डिग्री मार नहीं सकती है। चलती यहाँ पर दोनों के बीच में कराते हैं स्पीड टेस्ट, देखते हैं दोनों में से कौन जीत पाता है। लेट्स गो स्टार्ट। देखो गाइस, यहाँ पर जो है अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार जीतती हुई लग रही है। और भाई हाँ, इसकी स्पीड देखो काफी ज्यादा गजब की है। क्लियरली विनर है अपनी फॉर्मूला 1 वॉइस कंट्रोल कार। कार है ना, चार व्हील्स पर चलती ही नहीं है। आप इसको कितना भी चलाने के लिए कोशिश करो, सिर्फ ये जो कार है ना यार व्हीली मारते हुए चलती। यहाँ पे करते हैं पुशबैक, देखते हैं कौन सी कार जीत पाती है अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार। तो भाई एकदम दौड़ी गई है इसको मारने के लिए, पीटने के लिए। यहाँ पर देखो दोनों के बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट चल रही है। और भाई अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार जो है ना एकदम गजब की पावर दी गई है इसके अंदर। तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से भाई इसने स्टंट कार को हरा ही दिया, समझ लो। देखो यार उल्टा पटक के रख दिया है इसको। कराते हैं एकदम खतरनाक वाली चीज, वो है टग ऑफ वॉर। देखते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर अभी कौन जीत पाता है टग ऑफ वॉर कराने के बाद। ओ भाई, यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि अपनी छोटी सी स्टंट कार, देखो यार इतना पावर होगा इसके अंदर। देखो यार दो व्हील्स पर पूरी कोशिश कर रही है इसको खींचने के लिए। और यहाँ पर देखो यार अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को तो भाई एकदम से गुस्सा ही आ चुका है। जैसे ही मैंने इसके अंदर फुल बटन प्रेस किया, देखो इसको खींच के लेके जा चुकी है। और यहाँ पर इसका पावर मालूम चलता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल मोटर इसके अंदर दी गई है। अभी दोनों कार्स के बीच में एकदम नाइट टेस्ट भी करके देख लेते हैं, देखते हैं दोनों के अंदर कितनी लाइट्स दी गई है अपनी छोटी मोटी। देखो यार अपनी गोलू मोलू कार के अंदर इतने ढेर सारे लाइट्स देखने को मिलते हैं। रेड कलर की लाइट है, ग्रीन कलर की लाइट है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि पूरी तरीके से इन लोगों ने गजब तरीके से लाइटिंग वगैरह दे रखी है इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के अंदर सिंगल लाइट देखने को मिलती है, और वो भी व्हाइट कलर वाली लाइट इन लोगों ने दिया हुआ है। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको गोलू मोलू स्टंट कार पसंद है या फिर फॉर्मूला 1 वॉइस कंट्रोल कार पसंद है, नीचे कमेंट करो फटाफट से अभी का। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है रोहित, ओम लकाड़े, कनिष्क, निश्चल, लक्ष्य, सुलंकी पारस, रूपनीत, अंशित, मैनक, रिशोव। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।